नमस्कार भाई वेरी वेरी वे गुड इवनिंग नमस्कार सत्यकाल सभी को आज का जो सेशन है हमारा नाइनटीन एटी वन के यूपीएससी के अंदर जो मेंस में जोग्राफी के जो प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं आज उसको समझने वाले हैं बाय मैप्स पे तो वो बहुत ज़रूरी है मैप्स की अंडरस्टैंडिंग विदाउट मैप्स की अंडरस्टैंडिंग के ये टॉपिक होते नहीं है और दो दो नंबर के क्वेश्चन में आते हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है नाइनटीन एटी वन यू पी एस सी एक मिनट चाहूंगा माफ़ी <coughs> तो, स्टार्ट करते हैं जल्दी ही चलो डन तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरी गुड इवनिंग प्रीतम वेरी गुड इवनिंग डियर तो मैं रोनी मानसूज आप सभी अन अकेडमी पर स्वागत करता हूँ तो एक फटाफट से इसको ले लेते हैं हम लोग तो अन एकेडमी का रिचुल्स उसको जरूर फॉलो करते हैं मैं रोनी मानसूज आप सभी का अकेडमी पर स्वागत करता हूँ मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग टेलीग्राम पे रोनी मानसू झा के नाम से टेलीग्राम पे फॉलो करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरा शेड्यूल मिल जाता है जितने भी जो वीडियोज़ आती है उनके लिंक मिल जाते और साथ साथ में पी भी जितने भी वीडियोज़ आती है उन सबका मिल जाता है आप मुझे फॉलो कर सकते हो रोनी मानसू झा के नाम से रोहन डॉट झा डॉट फाइव टू फोर फेसबुक पे भी रोनी मानसू टेलीग्राम पर भी ये मैं रोनी मानसूजा थर्टी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट नाइनी एक्सपर्टीज एंड करांति तो अन अकेडमी पर आप लोगों को क्या चीजें मिलती है सबसे पहले अन अकेडमी एक ऑफर दे रहा है आप लोगों को एक ईयर के प्लान और टू ईयर के प्लान के ऊपर जो है एक्स्ट्रा आपको दो तीन महीने जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 2022 का जो जब तक प्री का नहीं हो जाता और जो हजार तेईस का जब तक प्री नहीं हो जाता तब तक आप लोगों का ये सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा उसको लेने के लिए आप लोगों को अन अकेडमी ऐप पर जाना होगा वहाँ सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड अप्लाई कर देना आर ओ एच वन जीरो आपको टेन परसेंट इमिज डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफर जो है ट्वेंटी एट ऑफ फरवरी तक वैलिड है लास्ट माइल करके यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू कर चुका है अन अकेडमी जो भी मीन्स जो क्लियर कर चुके हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला है सभी फ्री के लिए ये फ्री अवेलेबल है जाइए खुद के लिए भी अपने दोस्तों के लिए भी यहाँ जाके बताइए फायदा किन क्या, क्या क्या चीज़ को होगा जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको गाइड करेंगे और अलग अलग चीज़ों में आप लोगों को एक्सपर्टीज बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा दोस्तों तो जाओ और इसको फटाफट से ज्वाइन करो फायदा होगा कोड यहाँ पर जरूर याद रखना जरूरी है आर ओ एच वन जीरो जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टेन परसेंट डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड जरूर अप्लाई करो ये बहुत जरूरी है आपके लिए टेन परसेंट डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन का जो लेने का बेनिफिट ये होगा कि एक अलग तरह का ही एक एनरिचमेंट प्रोग्राम होगा तरह का अलग तरह का ही एक एक्सपीरियंस होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बहुत बेहतरीन चीज़ है जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए सब्सक्रिप्शन के फायदे उठाई एन में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं लाइव क्लासेस जैसे अभी मिल रही है टेस्ट क्विजेस होते रहते हैं अनलिमिटेड एक्सेस सब्सक्रिप्शन ले लो मजानी लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस यूपीएससी सीएससी है तो यूपीएससी सीएससी को ही लेकर के हम लोग स्ट्रिक रहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में आप लोगों को चीजें मिलेगी सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका बता देता हूं आईकोनी को प्लस दो तरीके सब्सक्रिप्शन मिलेंगे हम लोगों को मेन्स के कौन से आंसर की प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत है एक मेंटर की जरूरत है एक टीचर की जरूरत है द्रोणाचार्य की जरूरत है तो आप लोगों को पर्सनल कोच जो है आइकोनिक में मिलेगा जबकि ऐसा कोई भी ऑफर प्लस में नहीं मिलता ये प्लस का प्रोग्राम का पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है और ये आइकोनिक का प्रोग्राम है आप जो भी प्रोग्राम को क्लिक करोगे उस पर मेरा कोड अप्लाई कर दो टेन परसेंट इमिजिएट डिस्काउंट मिल जाएगा तो बेसिकली आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है आपको ये पे करने की जरूरत पड़ेगी सर डिफरेंस क्या है आइकोनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस और एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल जाएगी बाकी ये चीजें भी मिलती हैं लेकिन प्लस में आपको ऐसी कोई भी गाइडलाइन ऐसी चीजें नहीं मिलती है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका वही प्लान बना हुआ है टेन परसेंट डिस्काउंट लेने के लिए मेरा कोड अप्लाई कर देना टेन परसेंट इमीजिएट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा पर्सनल सजेशन ये रहे होगा कि जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा सी और यूपीएससी जी दोनों को ऑप्शन को लेकर लेना ज्यादा बेनिफिट रहेगा एक साल से तीन साल तक के यहाँ ऑफर बने हुए हैं आर एच वन अप्लाई कर दो टेन परसेंट डिस्काउंट पाओ यहाँ पर एजुकेटर है आपको अन अकेडमी पर हंड्रेड परसेंट एजुकेटर आप लोगों को मिल जाएंगे इसके बाद अन अकेडमी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुकी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड अप्लाई कर देना टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो जाएगा सेवन्थ ऑफ अप्रैल से बैच स्टार्ट हो चुका है सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ मिल रही है जाइए ज्वाइन कीजिए स्कॉलरशिप टेस्ट आपको यहाँ मिल रहा है फ्री रजिस्ट्रेशन है एनरोल करने के लिए मेरा कोड अप्लाई कर देना हर संडे को ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जैसे पबजी खेलते हो वैसे ही ये सारा का सारा ये है खेल है फाइव जो रैंकर्स जो जो आएंगे जो पहले 500 लोग आएंगे उनको स्कॉलरशिप में बेनिफिट मिलेगा टोटल चार करोड़ तक का पुल यहां पर बना हुआ है तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर जो 1981 में जो मेन्स आए थे मैं आपको शुरू से ये बताता रहा हूं कि जब हम लोग टॉपिक करते हैं डियर, यूपीएससी मेन्स का तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं जोग्राफी मेन्स में एक वो क्वेश्चन होता है जो इंडिया के मैप बेस पे होता है और एक क्वेश्चन वो होता है जो वर्ल्ड के मैप बेस पे होता है आपको क्या होता है कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है कि भाई ये ये प्लेसेस हैं और ये बताना है कि आपको मैप पे कहाँ मिलेगा तो दो तरह के मैप दिए जाएंगे आ, हो, होता क्या है दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आप लोगों को पहला ये कुछ जगह हैं भैया आपको इंडिया के मैप पर है ना इनको शो करना है कि ये कहाँ मिलेगा और दूसरा ये नहीं इंडियन मैप पे आप नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं वर्ल्ड के मैप पे है ना आप लोगों को बताना है कि ये पर्टिकुलर जगह कहाँ है तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो ज्वाइन कर सकते हो आप वो बेसिकली मैप लेकर के उसके ऊपर तैयारी कर सकते हो अब होता ये है कि इन मैप के थ्रू हम लोग जो है यूपीएससी मैं मीन्स के जो रीजन है ऐसे रीजन को जब हम लोग मैप के थ्रू करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है तो ये एक बेनिफिट होगा अब बढ़ते हैं हम लोग आगे यूपीएससी 1981 नाइनटीन एट्टी वन के अंदर जोग्राफी मेंस में इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के जो क्वेश्चन किया गया है मैं उस पर बात कर लेता हूँ सर उन्होंने बोला है कि भद्रावती एक जगह है ठीक है हमें बताना है कि इंडियन मैप पे ये कहाँ मिलेगा सबसे पहले भद्रावती के बारे में आप समझ लो कि भद्रावती जो है ये एक सिटी ऑफ कर्नाटका है कर्नाटका में मिलेगा ये हमें तो सर ये सिटी ऑफ कर्नाटका है कर्नाटका का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है और फेमस क्यों है ये फेमस है ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल सिटी है और ये फेमस है स्टील टाउन के लिए तो सबसे पहले हमारे लिए मेन चीज ये हो गई सर ये कहाँ अवेलेबल है ये शिव मोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का वहाँ अवेलेबल है अब आपको क्या होता है मैप जो मिलता है वो स्टेट वाइज मिल जाता है हो सकता है ब्लैंक मैप में मिले अब स्टेज वाइज अगर मैप मिला तो सर सीधे से बात है भद्रावती कहाँ है कर्नाटका कर्नाटका में आओगे तो ये जो आपका राइट हैंड साइड में मैप दिख रहा है ये सारा का सारा कर्नाटका का मैप है अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आपका शिव डिस्ट्रिक्ट है सर वहाँ तो ना बिल्कुल एग्जैक्टली exactly तो लोकेशन लोग दे नहीं पाएंगे तो फिर कैसे करना है ना क्यों तो पैसे ऐसा भी नहीं कहता कि आपको एग्जैक्टली exactly लोकेशन देना बट उसके आसपास के रीजन में आपको दिखा देना है यहाँ भाई यहाँ पर जो है आपका शिव मोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भद्रावती स्टिल टाउन है या इंडस्ट्रियल सिटी है जो बहुत फेमस है यहां तक तो उसका मतलब है कि सर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक कर्नाटक का सदन और वेस्टर्न साइड में जाना है सदन वेस्टर्न साइड में आगे तो सदन वेस्टर्न साइड में यहां पर आप देखो ये है आपकी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है सर स्टार के पास जो जगह है आ, स्टार देखोगे तो यहाँ बोलता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार के पास ही हमारा भद्रावती है बस इसे करो आगे बढ़ो बात होगी यहाँ पर खत्म आपने समझ में आ गई तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन मैप पे हमें पता होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ जो है भद्रावती क्यों फेमस है सर भद्रावती स्टिल टाउन के लिए फेमस है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भद्रावती स्टिल टाउन के लिए फेमस क्यों है अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं पे इसी इसी मोगा डिस्ट्रिक्ट में चिकमंगलूर में इसी बेल्ट में आप लोगों को जो है अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर धारवाड़ जो है रॉक्स है याद आ रहा है धारवाड़ सीरीज तो धारवाड़ सीरीज मतलब धारवाड़ क्या था इंडिया में पहला जो सेडिमेंट्री रॉक्स मिले हैं वो धारवाड में ही तो मिले हैं कर्नाटका के धारवाड़ में तो धारवाड़ में अगर हमें मिल रही है सेडिमेंट्री रॉक्स तो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलने से हमें क्या मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स सर फॉसिल्स मिलेंगे फॉसिल्स मिलेंगे या नहीं फॉसल्स किस चीज़ में फ़ायदा करते हैं फॉसिल्स इसी तरह के रॉ मटेरियल्स मिलेंगे तो हमें फ़ायदा किस में करेंगे सर फायदा हमारा इस तरह की इंडस्ट्रीज बनाने में फ़ायदा करेंगे तो स्टिल टाउन इसीलिए आपको दिखेगा कि इसके आसपास मिलेगी एक कद्रमुख खान थी एक कदरमुख माइन थी जो आप लोगों को कहाँ मिलेगी मैंगलोर के जस्ट इस साइड पे दिखेगी तो वो भी ध्यान रखिए तो मैं जहाँ तक बात आ जाती है जैसे ही बात आ जाती है भद्रावती की कर्नाटका की कर्नाटका के रीजन के अंदर इंडस्ट्री की तो नाम में आ जाता है सर धारवाड रॉक सिस्टम सर नाम में आ जाता है हमारा कुद्रमुख माइंस तो बात खत्म हो जाती है वहीं पे तो इन चीज़ों की जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके बाद बात, बात हो जाती है हमारी ख़त्म नेक्स्ट चलते हैं सर अगर आपको याद हो तो पिछले टॉपिक के अंदर भी जो है यानी नाइनटीन का जो मीन्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन किया गया था खांडवा गैप और खांडवा गैप जो होता है खांडवा कहाँ है अगर आप लोग ओल्ड म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो खांडवा का नाम आते ही एक बहुत फेमस जो गायककार हैं सिंगर हैं वो आते हैं और उनका नाम है श्री किशोर कुमार तो किशोर कुमार जो खांडवा से ही थे जब आप इस खांडवा रीजन में आओगे तो खांडवा जो गैप होता है इस खांडवा गैप देखो नाम से पता चल रहा गैप गैप इसका मतलब है कि ज़रूर कोई ना कोई है कनेक्शन प्रोवाइड कराता है सर इसके नीचे के हिस्से में जब हम आएंगे तो इस खांडवा गैप से होते हुए हम लोग महाराष्ट्र की साइड भी होकर के जाते हैं तो खांडवा गैप जो होता है मध्य प्रदेश और खांडवा के सॉरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में गैप प्रोवाइड कराता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होती है यहां से रेल ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपको चाहे आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा जिस तरह से घाट हम लोग पढ़ रहे थे वेस्टर्न घाट के सब पार्ट्स उसी तरह से वेस्टर्न घाट के ही हिस्से की तरफ मध्य प्रदेश के साइड में आपको ये गैप दिखेगा खांडवा गैप 1980 के मेंस में भी ये आया हुआ था अगर आप लोगों ने पिछले वाले टॉपिक को रिकॉल किया होगा तो यहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ खांडवा गैप तो उसके बाद हम चलते हैं सर कल्पा कम पे कल्पाकम क्या है कल्पाकम एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और जब कल्पाकम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो मैं आप सीधे आ जाओ कल्पाकम कहाँ है सर कल्पाकम तमिलनाडु में है कल्पाकम क्यों फेमस है कल्पाकम पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर बेसिकली दो गांव है और दो गांव के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी टाउनशिप डी इन शॉर्ट में डी लिखा हुआ है डी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एंड

बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं या तो ऑपरेशनल हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन और ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार जो एक सिंपल पॉइंट्स में जैसे प्री हो गया ना हमारा प्री जैसे एग्जाम के अंदर जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वहां ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसे सर एक गोरखपुर हो गया बताओ गोरखपुर जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ है सर गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो है हरियाणा के अंदर काफी फेमस है उसके बाद नरोरा उत्तर प्रदेश में है भीमपुर मध्य प्रदेश में है राजस्थान राजस्थान में रावत भाटा भी कह सकते हो इसे माही बंसवाड़ा ये भी मध्य प्रदेश में चूटक ये भी जो है आपका मध्य प्रदेश में है देन काकरापाड़ा गुजरात के अंदर है मिट्टीवर्दी गुजरात के अंदर है तारापुर और जैतापुर ये दोनों के दोनों जो है हमें कहाँ मिलेंगे तारापुर जैतापुर ये महाराष्ट्र में मिलेंगे कर्नाटका में कैगा है और तमिलनाडु के अंदर कल्पाकम कोडनकुलम और देखिए ये कल्पाकम है और कल्पाकम ही हमसे न्यूज़ में पूछा गया कि ये कल्पाकुम बेसिकली कहाँ है ठीक है उसके बाद कोवादा है सर आंध्र प्रदेश के अंदर और उसके बाद जो है हरिपुर है वेस्ट बंगाल में यहां पर भी एक है हरिपुर हरिपुर वेस्ट बंगाल के अंदर तो इन चीजों की जो है लिस्ट बनाइए इनको एक दो बार रटिए समझिए बात खत्म होगी ठीक है चलो बढ़िया चलो बढ़े आगे समझ में आ गया कल्पाकम कल्पाकम और कुलम दोनों फेमस किस चीज के लिए डिपार्टोमेंट एटोमिक एनर्जी का टाउनशिप है तो दोनों फेमस है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए और दोनों को ही देखोगे ना तो आप लोग तो कल्पाकम जो है और कुडनकुलम है दोनों के दोनों ऑपरेशनलाइज हैं ओपने ट्रिंग हो चुके हैं और अभी बीच में ये न्यूज में भी था क्योंकि चाइनीज हैकर ने जो है इस पूरे के पूरे सेक्टर को या कल्पाकम सेक्टर को हैक भी कर लिया था तब भी ये न्यूज में था आगे बढ़ते हैं रिवर दामोदर पूछा गया रिवर दामोदर की जब हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर रिवर दामोदर है इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो देखो दामोदर नाम आते ही सोर ऑफ बंगाल आ जाता है लेकिन इसकी जो ओरिजिन इसका जो सोर्स है वो कहाँ से है रिवर जो दामोदर जो है वो झारखंड से निकलता है वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है ठीक है जब आप दामोदर रिवर की वैली की तरफ आओगे तो ये मिनरल रिसोर्सेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिच है क्योंकि दामोदर रिवर है उसकी जो सहायक नदी है दामोदर और उसकी सहायक नदी बराकर बराक नहीं बराकर रिवर तो जब आप जाओगे दामोदर और इसकी सहायक नदी पे तो हमें इस पर तो डैम भी बनता हुआ दिखता है और ऊपर से ये जो वो बेल्ट है जो छोटा नागपुर पठार है ना छोटा नागपुर पठार मतलब हाईली जो मिनरल रिच रीजन है हाईली मिनरल रिच रीजन है ये न, छोटा नागपुर पठार और उसी छोटा नागपुर पठार मिनरल रिच रीजन से दामोदर नदी निकलती है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है इसलिए ज़्यादा जो पॉल्यूशन निकलता है वो दामोदर नदी में आता है तो इंडिया में वन ऑफ दी मोस्ट पोल्यूटेटिंग रिवर के अंदर भी अगर बात करें तो दामोदर रिवर एक एग्जाम्पल होकर के निकल करके आता है तो दामोदर रिवर कहां है सर झारखंड से यह नदी निकलती है झारखंड में छोटा नागपुर पठार ये लोहार दागा रीजन आप देख रहे हैं यहां से निकाली इस दामोदर नदी को और दामोदर नदी आगे बढ़ते हुए वे वेस्ट बंगाल में जाती है और हुगली नदी जो है यानी गंगा जो है उसकी सहायक नदी के रूप में बनकर के आती है तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि रिवर दामोदर का जो है फ्लो है वो बताना है आपको इंडियन मैप के ऊपर तो भावनाएं समझ में आ गई यहां पर सर आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं एक मैकमोहन लाइन पे मैकमोहन लाइन तो ये सर मैकमोहन लाइन क्या थी देखो आपको जो हिस्सा इंडिया का और चाइना के साथ अटैस्ट होता है तो तिब्बत वाले रीजन पे आप आएंगे तो ये वाला पूरा रीजन जो है साइड चेन है यहां से जम्मू कश्मीर के इस रीजन से आप लोग एक लाइन लाइन खींचिए और कहाँ तक पहुंचिए उत्तराखंड तक फिर नेपाल शुरू हो जाता है फिर सिक्किम वाला रीजन इस सिक्किम वाला रीजन के ऊपर भी एक लाइन लाइन बनाइए फिर भूटान छोड़िए और फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन को बनाइए तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है इस सारे के सारे के लाइन को ही हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं एक चीज यहां तक समझ में आ गई ओके अभी जब मैकमोहन लाइन की बात करेंगे तो चाइना मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है मा, चाइना कहता है कि यार मैं क्यों मानूं इस बात को क्योंकि 1914 के अंदर एक शिमला अकॉर्ड हुआ था और शिमला अकॉर्ड के अंदर उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे लेफ्टिनेंट कर्नल सर आथर हेनरी मैकमोहन उन्होंने लगभग 100 साल पहले यानी ये घटना घट गट रही है 2014-15 के आसपास की तो उस समय ये स्टेटमेंट थी चाइना की कि 100 साल पहले अगर कोई बंदा तिब्बत वाले रीजन को अगर इंडिया के बीच में मैकमोल लाइन बना करके निकाल दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मान लूंगा क्योंकि तिब्बत जो है वो मेरी बॉडी है या मेरा हिस्सा है और ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं जो तिब्बत के बिहाफ पे डिसीजन ले सके इंडिया और तिब्बत के बीच में इस लाइन को रिजेक्ट ड्रॉ करने का तो चाइना जो है वो कैटेगोरिकली कहता है कि भाई मैं इस शिमला अकॉर्ड को रिजेक्ट करता हूँ मैं नहीं मानता इस मैकमॉन लाइन को क्योंकि मैंने ये किया ही नहीं था मेरे बिहाफ में ये जो है ब्रिटिशर्स ने किया था क्योंकि तब हम लोग भी एक तरह से कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की और हम लोग भी हमारा भी जो है सॉवरनिटी थी नहीं और ये जो ट्रीटी है सॉवरन गवर्नमेंट ने साइन नहीं किया था। इसलिए चाइना इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ब्रिटिशर्स बोल गए तो बोल गए इंडिया कहता ना यार मान ले यार प्लीज़ क्योंकि ये तो है और बिना काम क्यों भी बात कर रहा है तो छोटे आंग वाले कहते हैं ना मैं नहीं मान रहा भाई इसमें गड़बड़ी है तो

बीच बीच में वो नहीं कहते कि वो जज्बाती खेल खेल जाता है बिल्कुल कि बताओ मैकमोन लाइन किसके साथ जुड़ हुई है सर ये रात रात भर जो है हम लोग मेहनत करेंगे जग मारने के लिए थोड़ी करते हैं तो सर मैकमो लाइन इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे भी क्वेश्चन आ, आ जाता है साइन कब हुआ था ये है अगर थोड़ा बहुत भी आड़े लग जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आगे बढ़ते हैं सर शिव समुद्रम जैसे शिव समुद्रम पर आप आओगे तो वैसे पता चलता है कि शिव समुद्रम जो है वो फेमस है फॉल्स के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजों के लिए भी फेमस हो सकता है बट शिव समुद्रम जनरली यहां पर फेमस है फॉल्स के लिए सर फॉल्स मतलब क्या मतलब गिर गया ये अरे ये नहीं गिरेगा पानी गिरेगा जब कोई पहाड़ी वाले हिस्से से नदी जब आगे बढ़ती है तो पहाड़ी वाले हिस्से से जब पानी नीचे की तरफ गिरेगा तो इसी को हम कहते हैं वाटरफॉल्स और जो शिव समुद्र है ये काफी फेमस है ये किस नदी पे है ये कावेरी नदी के ऊपर है तो सर एक वाटरफॉल्स है जिसे हम लोग जोग वाटरफॉल्स या इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स गैरसिपा वाटरफॉल्स भी कहते हैं यस वो फेमस है लेकिन वो सरावती नदी पे है और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आती है कर्नाटका के अंदर ही लेकिन जब हम बात करते हैं शिव समुद्रम की तो ये कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटका के अंदर शिव समुद्रम वाटरफॉल्स है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव समुद्रम वाटरफॉल्स तो आपको लोकेशन बतानी है इंडिया के मैप पे वो शिव समुद्रम वाटरफॉल्स के यहाँ दिमाग में लगाना है कावेरी कावेरी नदी के ऊपर है और कावेरी नदी और तमिलनाडु का जो पॉइंट है यानी जहां पर बाउंड्री उसका थोड़ा सा पीछे जो कर्नाटक का बिल्कुल एक्सट्रीम एंड होता है साउथ ईस्ट की तरफ वहां जाकर के एक छोटा सा बिंदु जो है वो लगा दो बस हमारा शिव समुद्र वाटरफॉल्स हो गया क्लियर ओके चलो फिर आगे बढ़े सर फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया श्रीहरिकोटा जो श्रीहरिकोटा है वो फेमस क्यों है सर श्रीहरिकोटा जो है एक बेरियर आइलैंड है बे ऑफ बंगाल पे और एक प्रोजेक्ट लाया गया है शहर प्रोजेक्ट ये बीच बीच में आता रहता है बड़ा जज्बाती सवाल है ये 2012-13 से ही न्यूज़ में है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में एक शहर प्रोजेक्ट है एस एच ए आर ये शहर प्रोजेक्ट जो है किस जगह पे है शहर प्रोजेक्ट सर श्रीहरिकोटा पे है ये ध्यान रख लेना बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है शहर प्रोजेक्ट की गूगल कर ले लो आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो गूगल कर लो बात खत्म हो जाती है अपने को यहीं पे सर जब हम आएंगे बेसिकली सहर प्रोजेक्ट या सिहरी कोटा कहाँ है सर ये आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नैलोर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट याद रखना कोई जरूरी है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप आंध्र प्रदेश में ए जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बट अपने यूपीएससी लेवल पर अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है सर यहाँ पर जब हम आएंगे तो सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है और इंडिया में दो जगह से स्पेस जो सेटेलाइट लॉन्च होता है एक यहाँ है और एक थुम्बा था पहले केरला था पहले लेकिन बाद में हम जब ने देखा कि भाई वहाँ पे जब हम सेटेलाइट लॉन्च करते हैं तो थुम्बा वाले जगह पे केरला के अंदर के तो आसपास रीजन में हुमेन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है पॉपुलेशन ज़्यादा है और यही वजह है कि हमें किसी आइसोलेटेड रीजन पर लेके जाना था ताकि ज़्यादा काफ़ी नीट एंड क्लीन फॉर्म में इसको किया जा सके तो इसलिए हम लोगों ने उसको शिफ्ट किया सिर ही श्रीहरिकोटा पे जब हम आएंगे तो एग्जामिनर में जजबाती हो गया और बोला कि बताओ श्रीहरिकोटा के पास कौन सी लेक है आ गया ना एक एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि श्रीहरिकोटा जो है वो किस लेक के पास है सर श्रीहरिकोटा जो है उसका आंसर आप लोग खुद दे दोगे मैं इसे जुम आउट कर देता हूं ताकि इसको समझना ज्यादा आसान हो तो सर ये मैप पे देखो ये श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर है सर ठीक है ये रॉकेट बनाया हुआ है थोड़ा सा पिछू की तरफ आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर भी कि जब मैं बात करता हूँ श्रीहरिकोटा की तो दरअसल इसके बीच में एक लेक बनती हुई दिख रही है इस लेक का नाम है पुल्लीकट लेक और एक लेक होती है जिसे हम लोग कहते हैं लगून लेक लगून लेक का मतलब क्या होता है कि समुद्र का पानी अंदर की तरफ आ जाता है जो कटाफटा क्षेत्र है इसके अंदर आ जाता है वही पानी वहां डिपोजिट हो जाता है और बीच में एक जो है नेचुरल बार बन जाती है बार मतलब जो समुद्र की तरफ से जो सिल्टेशन वगैरह होती है वो उसका पूरा पूरा एक बार बना देती है तो पानी समुद्र का ही होता है स्टोर हो जाता है और इस पानी को ही हम लोग लगुन लेक कहते हैं तो पुलिकट लेक इज आल्सो ए लगुन लेक और इसी पुलिकट लेक के ईस्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पर श्री हरिकोटा यहाँ पर दिख जाएगा तो ये है श्री श्रीहरिकोटा भावना समझ में आ गई तो क्वेश्चन क्या है पुलिकट लेक पुलिकट पुलिकट लेक के पास श्री हरिकोटा है और पुलिकट लेक कौन सी लेक है लगुन लेक है जब लेक वाले एग्जाम्पल में आएंगे तो लगुन लेक इस तरह से समझ आ जाएगा उसके बाद सर एक प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग चुक्का प्रोजेक्ट कहते हैं चुक्का प्रोजेक्ट की जब हम बात करेंगे इंडिया जो है पड़ोसी जो देश हैं खासकर एक्टिस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एक्टिस्ट पॉलिसी के अंदर इंडिया जो पड़ोसी देश है उन लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहा है उन कंट्री की काफ़ी हेल्प कर रहा है तो चुक्का प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जापान सॉरी भूटान के अंदर जा कर के इस प्रोजेक्ट को जो है सेंक्शन किया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर देख रेख की है टेक्नोलॉजी दे रहा है अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है तो इंडिया वहाँ पर एक अकेला चुक्का प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहा है इंडिया वहाँ पर और और प्रोजेक्ट भी लेकर के आ रहा है जिसमें मेन प्रोजेक्ट जब इंडिया ने सबसे पहले भूटान को ये प्रोजेक्ट दिया था तो सबसे पहला प्रोजेक्ट था ये इंडिया का भूटान को एज ए अपनी एक्सपर्टीज का फायदा ये चुका प्रोजेक्ट हो गई उसके बाद सर एक प्रोजेक्ट और है जिसे हम कहते हैं कुरिची प्रोजेक्ट हाइड्रो एच -E मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट तो तीन प्रोजेक्ट इंडिया जो है वहाँ दे रहा है उसके ऊपर जो है सेंशन है इंडिया वहां पर अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है तो सर एक चुका है एक कुरिचू है और एक तला है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जैसे आपका असिस्टेंट कमांडेंट हो गया सी हो गया ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो कौन कौन से ताला एंड चुका चुका जब आप बात करोगे तो इंडिया है इंडिया के बीच में इंडिया के ऊपर आप देखोगे भूटान का मैप और इसको मैं जुम आउट करूं तो इसको थोड़ा सा और समझेंगे यह है चुका डिस्ट्रिक्ट भूटान का और इसी चुका डिस्ट्रिक्ट के पास ही आप लोगों को डैम बनता हुआ दिखेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम जिसे हम लोग चुका डैम कहते हैं तो ये पहले भी बहुत बार जो है तंग कर चुका है क्वेश्चन और मैं बात बता रहा हूं नाइनटीन के यूपीएससी मेन्स में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप समझ रहे हो ये जो घटना घट गट रही है ये सेवनटी नाइन के आसपास की घटना है तभी एग्जामिनर ने मेंस के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को लोकेशन वाइज पूछ लिया कि बताओ ये लोकेशन कहाँ थे तो चुका प्रोजेक्ट आज भी है एग्जामिनर तंग करता है और पहले से यानी आज से लगभग तीस साल चालीस साल पहले से ही ये क्वेश्चन जो है ये फैला हुआ है ये न्यूज़ में है तो तला प्रोजेक्ट कुरिचू प्रोजेक्ट चुका प्रोजेक्ट तो आप देखोगे अगर हम बात करें तो एक मेगावाट तक भी जा चुके हैं और टोटलिंग में चौदह मेगावाट इंडिया जो है वहां पर अपनी एनर्जी का मतलब अपनी एक्सपर्टीज जो है उसको प्रॉफिट जो है वो देने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया ने रिसेंटली कंप्लीट भी किया है एक है मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिस प्रोजेक्ट और एक है पुनाथ सांगचू वन एंड पुनाथ सांगचू टू प्रोजेक्ट ये दो प्रोजेक्ट जो है इंडिया जो है अभी वहां पर कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में पूछे तो दो आंसर ये करंट अफेयर्स के बेसिस पे है और ये 1981 के बेसिस पे है तो थोड़ा सा इसको समझ लेना कहीं सोचोगे कि ये तो 1981 के अकॉर्डिंग पूछा जाता नहीं इंडिया ने रिसेंटली किया है ये 81 के अकॉर्डिंग नहीं अभी 2021 के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद एक क्वेश्चन का आया आता है आइसोहाइट सबसे पहले आइसोहाइट सर क्या होता है गूगल करोगे तो पता चला कि एक ऐसी लाइन एक ऐसी रेखा होती है जो इमेजिनरी होती है लेकिन वो रेखा वो होती है जहां पर सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को शो किया जाता है इन ए गिवन पीरियड जैसे सर जैसे ये कोई एक पॉइंट हो गया सर यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया ये जो है दोस्त ये दिल्ली में ये जो दोस्त है ये गाजिया ये ये मान के चलो भोपाल में है इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं ये कहूं कि अगर बारिश दोनों ही जगह पे सेम हो रही है इन दोनों को मैं एक लाइन से कनेक्ट कर दूंगा जिस लाइन से कनेक्ट करूंगा उसे मैं आइसोहाइट्स कहता हूं आइसो मतलब होता है एक हाइट्स मतलब यहां पर होती है रेनफॉल तो आइसोहाइट्स मतलब ऐसे इलाके जहां पर रेनफॉल ऑलमोस्ट इक्वल पड़ते हैं तो ऐसे इलाके को हम लोग एक लाइन से जोड़ देते हैं जिसे हम लोग आइसो हाइट्स कहते हैं एग्जामिनर कहता है हंड्रेड सेंटीमीटर एनुअल हाइसोहाइट्स so वाले जो रीजन होते हैं उनको आप लोग मैप पे बताइए और यहां पर रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं तो 100 सेंटीमीटर के ऊपर वाले इलाके में आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है मैप को थोड़ा सा जुमा आउट कर देता हूं ताकि थोड़ा समझना आसान हो ये जो नीली पट्टी दिख रही है हल्की नीली पट्टी ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है और जो हल्की सी सफेद और हल्का सा जो नीलापन है वो और सौ सेंटीमीटर के बीच में तो इन्हीं की जो बाउंड्री दिखेगी ये वाली सारी के सारी बाउंड्री जो है हंड्रेड और 200 के बीच में है अगर आप लोग इनमें से किसी एक पॉइंट के इनके ट्रांजिशन पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इनके बीच वाले हिस्से में बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर की रेंज में आएगा तो कहीं पे भी एक लाइन खींच करके आप बना दो बात खत्म हो जाती है गुरिंदरदीप सिंह जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना वो एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि मेंस ने क्या किया मेंस में क्या होता है आपको लोकेशन बेच दिया जाता है आपको पॉइंट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको मैप पे सजाना है। बस इसके बारे में लिखना नहीं है लिखने वाला जो टॉपिक है वो हम तब शुरू करेंगे जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यानी जब मैप्स वाले टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब हम लोग शुरू करेंगे जो दो दो और तीन तीन नंबर के जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग धीरे धीरे फिर रिवाइज करेंगे तो इस तरीके से कड़ी दर कड़ी दर हम लोग चलते रहेंगे ठीक है अब आप लोगों का जो मेंस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इस इनको हम लोग डेली लेने वाले हैं तो ताकि इसकी जो है स्पीडअप जल्दी हो सके क्योंकि अगर हम दो 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 तीन तीन दिन के इंटरवल पे लेंगे तो एक जो कनेक्टिविटी है वो बन नहीं पाएगी ठीक है तो ऊपर से हम ट्रेंड देखते रहेंगे जैसे आइसोहाइट्स आ गया आइसोथर्मल हो गया ऐसे पॉइंट जो है पिछले जो मेंस के टॉपिक आए थे उसमें भी पूछा गया था और अब जो टॉपिक आ रहा है वो भी पूछा जा रहा है इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीआरटी इलेवन स्टैंडर्ड की इसलिए उठाने जरूरी है आइसोथर्म्स आइसोहाइट्स वहाँ पर निट एंड क्लीन फॉर्म में दिए गए हैं जाओ पढ़ो अच्छे तरीके से उसको मग अप करो ये क्वेश्चन प्री में भी तंग करते हैं और ये क्वेश्चन मेन्स में भी तंग करते हैं सर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया बरौनी आपको है ना मैप पे बरौनी बताना सर बरौनी की बात आते आता है इंडिया और इंडिया सॉरी बरौनी की बात आते आता है आता है दिमाग में ए, बिहार और जैसे ही बरौनी की बात आती है तो पहले बात आती है ऑयल रिफाइनरीज की तो इंडिया में ऑयल रिफाइनरीज हैं और इंडिया के अंदर ऑयल रिफाइनरीज का पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसमें एक ऑयल रिफाइनरीज बरौनी है तो बरौनी कहाँ है सर बिहार में बिहार जो कहाँ है आप देखोगे मैप पे तो ये रहा बरौनी लेकिन जैसे ही बरौने की बात आती है तो वैसे वर्ल्ड इंडिया में बहुत सारे जो है, आ, हैं ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसमें फेमस फेमस की मैं बात देता हूँ डिग बॉई इंडिया में सबसे पहला ऑयल रिफाइनरीज यही था डिग बॉय और डिग बॉई तो ये समझ लीजिए कि बड़ा जज्बाती सा सवाल है हालांकि अब यूपीएससी नहीं जाता लेकिन सबसे पहले इंडिया में इंडिया में छोड़िए एशिया में ही सबसे पहले जो ऑयल रिफाइनरीज आई थी वो डिग बो ही, ही थी उसके बाद सर बरौनी हो गया उसके बाद उमियम अगर आप लोग मेघालय में जाओगे तो बाकायदा उमियम लेक भी एक बहुत फेमस है तो उमियम जो है वो भी एक रिफाइनरीज है उसके बाद गुवाहाटी बोंगई गांव जो है ये असम के ही हिस्से में आते हैं गुवाहाटी सिंपल है बोंगई गांव और डिगबो ये याद रख लेना सर उसके बाद जो है एक नुमालीगढ़ है ये भी असम में ही है हल्दिया है ये वेस्ट बंगाल में है सर विशाखापट्टनम पता चलता रहेगा और उसके बाद है ततिपाका अब देख रहे हो ततिपाका इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि कोलकाता ऑयल रिफाइनरीज कहाँ है हल्दिया कहाँ है विशाखापट्टनम कहाँ है क्योंकि इनके नाम में ही आंसर है लेकिन अब वो क्वेश्चन कर रहा है ततिपाका बताइए क्या है दो चीजें हैं पहले ततिपाका कहाँ है दूसरा ततिपाका क्या है ततिपाका का सर एक ऑयल रिफाइनरीज है जो हमें आंध्रा में मिलेगा ठीक है चेन्नई नागपट्टनम ऑब्वियसली सर ये तो बात होगी इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं इनमें नाम में ही पता चल रहा है सर कोयाली ये आता है उसके बाद वडीनार ये कहाँ है सर वडीनार हो गया कोयाली हो गया जामनगर हो गया सारे के सारे गुजरात में बात खत्म सर बीना कहाँ है मध्य प्रदेश में है मथुरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में पानीपत कहाँ है, पानी है? हरियाणा में है भटिंडा कहाँ है पंजाब में है मनाली कहाँ है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है तो ये सारे के सारे मेजर ऑयल रिफाइनरी सेंटर में आते नाम वाले तो नहीं आएंगे लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जैसे नुमालीगढ़ हो गया बरौनी हो गया बोंगई गांव ततिपाका ऐसे क्वेश्चन बीना ऐसे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इनको करना जरूरी है ठीक है सर आगे बढ़े एक आता है क्वेश्चन यहाँ पे सरगैसो सी सरगैसो सी क्या होता है सरगैसो सी है। रीजन है जो अटलांटिक ओशन में हम लोगों को मिलेगा और ये बाउंडेड होता है फोर करंट से एक्चुअली फोर करंट्स कह लो फाइव करंट्स कह लो वो आपकी मर्जी होती है हम लोग किसको करंट बेसिकली वहां पर मान के चलते ठीक है इस सी की खासियत ये है कि इस ये सी किसी जमीनी हिस्से से जुड़ती ही नहीं है मतलब इसके चारों ओर से पानी है ये इसका कोई जमीनी हिस्सा नहीं है ये किसी भी लैंड पोर्शन से टच नहीं करती आप कहोगे सर ओशन भी जमीनी हिस्से से टच करते हैं सी भी जमीनी हिस्से से टच करते हैं तो सर ये तो जो है सरगैसो सी इसका कोई भी जमीनी हिस्सा नहीं है मतलब किसी भी लैंड पोर्शन से टच नहीं करती ना ये किसी भी लैंड पोर्शन से टच नहीं करती सर ऐसा क्या है यहां पे दरअसल यहां पर एक सीवीड्स मिलती है जिसका नाम है सरगुसम याद कीजिए आज हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स का टॉपिक किया है अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं देखा है तो आप लोग समझिए वहां पर मैं आपको बता रहा था कि कैप कैप क्या होता है कैप सर एक सीविड है एक अलगाई है जो ओशन की एसिडिफिकेशन को ठीक करने के लिए काम करती है उसी तरीके से एक सरगुसम जो है वो भी ब्राउन अलगाई है वो भी हमें कहाँ मिलती है इसी सरगैसो सी में एक्चुअली सरगैसो का नाम ही सरगुसम सीवीड पे आया है ब्राउन कलर की है ओशन एसिडिफिकेशन में बहुत रोल प्ले करती है मरीन इकोसिस्टम को डेवलप करने में रोल प्ले करती है फूड शेल्टर प्रोवाइड करती है बहुत सारे काम में यूज़ होता है जिस तरीके से हमारे बैरियर रीव कॉरल रीफ्स होते हैं उसी तरीके से ये सीविड्स भी काम करते हैं और इस रीजन में आप आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को अदर रीजन के हिसाब से थोड़ा सा जो ब्लू वाटर है वो मिलेगा वो फायदेमंद है तो यहाँ पर जब हम सरगेसो सी की बात करेंगे तो सीधे हमें कहाँ जाना है हमें जाना है अटलांटिक ओशन में अटलांटिक ओशन कौन सा नॉर्थ या साउथ सर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाएंगे इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आप लोगों को चार करंट दिख रही है सबसे पहले करंट दिख रही है आप लोगों को नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर एक करंट दिख रही है जिसे हम लोग कहते हैं एंटलीज करंट ऊपर एक करंट दिख रही है जिसे हम लोग कहते हैं गल्फ स्ट्रीम फिर सर एक करंट दिखती है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और सर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम करते हैं कनारी करंट तो बेसिकली यहां पर चार ना हो करके यहां पर पांच ओशियनिक करेंट्स हैं इसमें हम लोगों को काउंट करना नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी कई बार इसे काउंट नहीं करते इसलिए गड़बड़ है वरना एक दो तीन चार हो गया नहीं तो इसको भी काउंट करें तो पांच हमारे बेसिकली यहां पर करंट है और याद कीजिए जहां जहां कोल्ड करंट मिलेगी उस साइड में आपको क्या मिलेंगे डिजर्ट मिलेंगे तो क्या इस रीजन में हमें सहारा डिजर्ट मिल रहा है हां क्यों मिल रहा है क्योंकि यहां पर कनारी करंट है ठीक है जहां कोल्ड करंट मिलेंगे उस साइड में आप लोगों को डिजर्ट मिलेगा ही मिलेगा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और इसकी क्लैरिटी हो जाए ये सर यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया साउथ अमेरिका हो गया यहाँ पर एक आइलैंड्स हो गए और ये जब ऊपर की तरफ जो करंट जाती है यहाँ पर एक एंटलीज नाम आ रहा है तो एंटलीज़ के नाम से एक एंटलीज करंट है देन गल्फ स्ट्रीम है फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है फिर कनारी करंट है नॉर्थ इकोटल करंट है इनके बीच में जहाँ ये करंट सारे के सारे कॉम्बाइंड फॉर्म में एक सर्कल में दिखते हैं उन्हीं के बीच में आपको एक सी दिखता है सर जिसे हम लोग सरगसो सी कहते हैं फेमस क्यों है सरगुसम सीविड की वजह से ठीक है पढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ तो सर एक क्वेश्चन किया गया है बेओ फंडी बेओ फंडी जो है वो कहां है लाइज बिटवीन कनाडा का नोवा स्कोशिया नोवा स्कोशिया और न्यू बर्सविक प्रोविंसेस है एस के बीच में ये लाई करता है अगर आप लोग देखोगे तो ये सर यूनाइटेड स्टेट्स है ये कनाडा है और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में यहाँ पर अटलांटिक ओशन है अटलांटिक ओशन के आगे आओगे तो ये वाला है सारा का सारा हिस्सा सर बे ऑफ फंडी सर बे ऑफ फंडी क्यों फेमस है दुनिया में कोस्टल जो एरियाज होते हैं यानी जो तटीय इलाके होते हैं यहाँ पर समुद्र की एक्शंस आते सी वेव्स एक्शन होती हैं जिसे हम लोग जोग्राफिकल टर्म्स में टाइड्स बोल देते हैं तो टाइड आते हैं ठीक है ठीके? वर्ल्ड में सबसे ऊंचे टाइड्स कहाँ आते हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट टाइड यानी उनकी जो ऊंचाई होती है हंड्रेड सॉरी एट्टीन मीटर मे, तक भी ऊँटे उठते हैं मतलब पानी की जो वेव्स होती है वो अठारह मीटर तक ऊपर उठ जाते हैं नॉर्मल है हम पानी को देखते हैं समुद्री पानी को कि बिल्कुल नॉर्मल सरफेस पे है लेकिन आगे बढ़ने के दौरान जो है उनकी हाइट जो है मीटर तक पहुँच जाती है तो पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट अगर टाइड कहीं आते हैं तो वो इसी बे ऑफ फंडी में ही आते हैं अब अगला सवाल ये है कि सर सबसे ज्यादा टाइड बे ऑफ फंडी में क्यों आते देखो यहां से पानी जो है बढ़ा आगे टाइड के रूप में टाइड जो है आगे बढ़ रही है टाइड आगे बढ़ रही है टाइड आगे बढ़ रही है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसे ही बे ऑफ फंडी में ये पानी घुसेगा तो आपको नहीं लगता कि बे ऑफ फंडी का जो एरिया ऑफ क्रोसेक्शन है वो पहले आगे की तरफ जो है काफी बड़ा है और आगे अंदर की तरफ आते आप जाओगे तो एरिया ऑफ क्रोसेक्शन छोटा हो रहा है जितना एरिया ऑफ क्रोसेक्शन छोटा होगा पानी की वेव्स उतनी ही ज़्यादा ऊपर उठती हुई दिखेगी सर इसको ऐसे समझो कि जैसे हम लोग गार्डन में पानी डाल रहे होते हैं तो पाइप जो होता है पानी आ रहा है ठीक है लेकिन अगर हम लोग पाइप के ऊपर अगर अंगूठा लगा दें हाफ अंगूठा लगा दें तो आप देखेंगे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है क्यों होता है पानी का प्रेशर क्यों बढ़ता है क्योंकि सर पानी तो उतना ही आ रहा है स्पीड पीछे से जो पानी आ रहा है उसका फ्लो उतना ही है लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए उसकी जो स्पीड है जो पानी का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है तो ऐसे हम देखेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होते ही वाटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है इसी तरीके से इस बे के अंदर जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा साफ है वेव्स जो होते हैं उतने ही ऊपर उठते हुए दिखेंगे और यही वजह है कि बे ऑफ फंडी में आप लोगों को सबसे हाईएस्ट टाइड मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में फेमस ही क्यों है टाइड के लिए कौन से टाइड के लिए सर दुनिया में सबसे हाई टाइड के लिए इसलिए बे ऑफ फंडी न्यूज में रहता है उसके बाद सर जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से आइसोथर्म का और मैं बार बार कह रहा हूं आइसोथर्म आइसोहाइट्स ऐसे जो न्यूज है ऐसे जो क्वेश्चन है ये आप लोग जरूर पढ़ो क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है 10 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड या फिर 50 डिग्री फार्मा आइसोथर्म जो है आपको बताना है नदन हेमोस्फेयर में किस इलाके में मिलेगा 10 डिग्री सेल्सियस वाली बेल्ट आपको दिख रही है मैं इसे रेड कर देता हूं ताकि आप लोगों को टेन डिग्री वाली बेल्ट जो है आप लोगों को दिख जाए तो टेन डिग्री सेल्सियस वाली बेल्ट ये माइनस तो बोल ही नहीं रहा ये टेन डिग्री बोल रहा है और अगर आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा जुमाउट करूंगा मैं तो इस तस्वीर के नीचे की तरफ आपको जाना है सर इसके नीचे की तरफ आप लोगों को एक पेनसुला दिख रहा है जिसे मैं अरेबियन पेनुसुला कहता हूं तो अरेबियन पेनुसुला वाला रीजन सर इसके बाद जो अफ्रीका का जो नॉर्थ वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला हिस्सा सर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मैक्सिको वाला रीजन जो आपको दिख रहा है अमेरिका के साउथ और मैक्सिको को ऊपर वाला ये वाला रीजन सर, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये इंडिया दिख रही है ना इंडिया के बीच वाला हिस्सा खासकर मध्य प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में भी आपको आइसोथर्म बनता हुआ दिख रहा है सर इसके बाद जब हम इस तरफ आएंगे ईस्ट की तरफ तो यहां पर म्यांमार दिख रहा है सर और इसके बाद जब इस तरफ आएंगे तो आप लोगों को इंडोनेशिया वाली वो बेल्ट दिख रही है आइलैंड वाले हिस्से तो ये सारे के सारे जो बेल्ट है ये टेन डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म वाली बेल्ट है ठीक है तो टेन डिग्री फिर फाइव डिग्री फिर जीरो डिग्री फिर माइनस टेन माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी ये सारे के सारे जो हैं इंडिया वर्ल्ड के ऊपर आपके आइसोथर्म्स है जनवरी का महीने की बात हो रही है और आइसोथर्म्स बताना है कि कहाँ कहाँ कितने कितने पे होगा इस मैप को घोट लो पी लो क्योंकि ये प्री में भी तंग करते हैं और ये मेन्स में भी तंग करते हैं अगर ऑप्शनल जोग्राफी है तो तंग करेगा ही करेगा और अगर आपका जो ऑप्शनल जोग्राफी नहीं है तो प्री में ऐसे आइसोथर्म आइसोहाइट्स वाले तंग करेंगे अगर आप लोग मेरे पिछले Uh, दो सेशंस को देख चुके हैं 79 के मेंस को और एट्टी के मेंस को तो आप देखोगे आइसोथम और आइसोहाइट्स ये तंग कर रहे हैं तीनों में ही 79 में भी तंग किया ये 80 में भी तंग किया और 81 में भी तंग कर रहा है ठीक है तो अगले सेक्टर पे चलते हैं सर क्वेश्चन पूछ लिया गया पिट्सबर्ग आपको वर्ल्ड मैप पे आपको जो है पिट्सबर्ग जो है वो बताना है एक है पिटर्स, पिट्स, पिटर्स बर्ग, पिटर्स बर्ग, और एक है पिट्सबर्ग पीटर्सबर्ग की जब हम बात करेंगे रशिया में और एक पीट्सबर्ग ये थोड़ा सा ना सा हो जाता है कहीं आप सोचो कि पीट्सबर्ग आते ही हमें पहुंच जाना है कहाँ पे रशिया के अंदर नो इट्स अ पीट्सबर्ग पिट्सबर्ग क्यों फेमस है पिट्सबर्ग सर एक स्टील सिटी है ठीक वैसे ही जैसे ये सेशन स्टार्ट होते ही हमारा भद्रावती आया था भद्रावती कर्नाटका सिमोगा डिस्ट्रिक्ट तो उसी तरीके से पिट्सबर्ग स्टील सिटी काफ़ी फेमस है स्टील सिटी के लिए एक्चुअली यहाँ पर कहते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन है थ्री हंड्रेड स्टील रिलेटेड बिजनेस यहां पर मौजूद है और इवन पिट्सबर्ग को सिटी ऑफ ब्रिजेस भी बोला जाता है क्योंकि स्टील है तो ऑब्वियसली स्टील यहां पर अवेलेबल होगा कहते हैं कि यहाँ पर ब्रिजेस भी बने हुए हैं बहुत सारे नदियां हैं नदियों के ऊपर ब्रिज बने हुए हैं कहते हैं छोटे मोटे ब्रिज को अगर जोड़ दो तो चार सौ छियालीस ब्रिज बनते हैं हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिजेस होंगे तो ऑब्वियसली सर स्काई स्क्रैपर्स भी होंगे स्काई स्क्रैपर्स होंगे तो बकायदा ऊपर से कूदने के लिए पॉइंट्स भी बने होंगे तो इसलिए भी पिट्सबर्ग फेमस है वर्ल्ड जोग्राफी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है स्टील सिटी के लिए फेमस है कहाँ है अमेरिका में अमेरिका में कहाँ है सीधे जुमा आउट करो मैप को आपको ये अमेरिका दिख रहा है सर और अमेरिका के ऊपर नॉर्थ साउथ की तरफ आप आओगे या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो डिग्री जो अमेरिका का बिल्कुल मिडिल पॉइंट देखोगे तो ये अमेरिका है सर और अमेरिका के न्यूयॉर्क के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये पेनिनसुलो पेनेंसिल्वेनिया जो उनका स्टेट है उस पेनेंसिल्वनिया स्टेट के अंदर पिट्सबर्ग नाम की एक इंडस्ट्री है कहीं पे रैंडम जो है एक जगह प्लेस कर दो वो हमारा बन जाएगा लेकिन होना चाहिए आसपास ही तो ये क्वेश्चन पूछा गया सर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सर एक क्वेश्चन आया है मोंटे कार्लो मोंटे कार्लो आते ही दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए फॉर्मुला वन रेस की जो है एक पूरी जो ट्रैक है दुनिया में बहुत फेमस ट्रैक है फॉर्मूला वन का रेस का मोंटे कार्लो इवन मोंटे कार्लो ग्रांड प्रिक्स वगैरह जो है वो भी होता रहता है मोंटे कार्लो की जैसे आप बात करोगे ये फेमस अपने ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए यानी ग्लैमर्स के लिए ये फेमस है गैम्बलिंग के लिए और स्पोर्ट्स तो यहाँ पर एफ होता ही होता है इवन मोंटे कार्लो को डायमंड ऑफ मोनाको भी कहा जाता है तो मोंटे कार्लो कहाँ है सर ये फ्रांस है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है ये फ्रांस है फ्रांस के नीचे की तरफ आप लोगों को जो दिखेगा फ्रांस के नीचे की तरफ ये सर मोंटे कार्लो है और मोंटे कार्लो में आप देखोगे तो ये मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर की तरफ है सर ये मोनाको और मोनाको की तरफ अगर आप जाओगे तो ये है सर मोंटे कार्लो तो फेमस क्यों है गैम्बलिंग के लिए गैम्बली होगा तो मकैसिनो होगा ही होगा तो आपको यहाँ आप दिमाग में ये रखना है कि गैम्बलिंग है हालांकि लास वेगास अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा फेमस गैम्बलिंग सेंटर है और स्पोर्ट्स फॉर्मूला जो वन रेस है एफ वन रेस उसकी भी यहाँ पर ग्रांड प्रिक्स होती है गुरिंदरदीप सिंह मैप करने का तरीका सिंपल सी बात है न्यूज में जो भी जो भी जगह आते हैं वर्ल्ड पे उसको है ना फटा फटाफट से आप लोग एटलस में देख लो तो बस काम बन जाएगा हमारा ठीक है सर उसके बाद बात करते हैं सर वाइएल थॉम्सन रिज रिज की बात आते ही आपको यह समझना होगा कि ये रिज वो जगह होती है जहां पर लावा समुद्री हिस्से से बाहर आ रहा होता है ऊपर की तरफ आ रहा होता है और वो फैल रहा होता है याद कीजिए जब प्लेट डाइवर्जेंट मूवमेंट में जाती है ये समुद्र के नीचे की प्लेट है डाइवर्जेंट मूवमेंट कर रही है और नीचे की तरफ जो है मैग्मा वो ऊपर की तरफ आकर के डिपॉजिट होता है तो उसी जगह पे हमें क्या मिलती है रिज फेमस रिज यहाँ पर कौन सी है सर वेविल थॉम्सन रिज क्वेश्चन पूछता ये एट्टी के अंदर जोग्राफी मेन्स में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आपको ना वेविल थॉमसन रिज जो है वो बताना है अगर आप लोग सीडीएस ऐसे एग्जाम भी देते हैं तो वहां पर एक आइलैंड आता है जिसे हम लोग कहते हैं फेरो आइलैंड इस वेविल थॉमसन ब्रिज के ऊपर की तरफ एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं फेरो आइलैंड फेरो आइलैंड फेमस किस लिए है फेरो आइलैंड जो यहां पर भेड़ है भेड़ों की जो प्रजाति है उनके लिए काफी फेमस है यहां पर फेरो आइलैंड फेरो आइलैंड के नीचे की तरफ देखेंगे आप लोगों को ये वाली पूरी बेल्ट ये आपको जो बेल्ट दिख रही है इसी को हम लोग कहते हैं वेविल थॉमसन रिज तो ये हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है तो जैसे ही इस रीजन में आप आओगे ये आप लोगों का रीजन जो है ये इंग्लैंड वाला रीजन है ये सारा का सारा रीजन जो आपको दिख रहा है ये इंग्लैंड दिख रहा है सर ये इंग्लैंड में ये पे जो जो रीजन दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ आइलैंड ठीक है नदन आइलैंड और ये हो गया सदन आइलैंड जो इंडिपेंडेंट आयरलैंड है वो और ये हो गया नदर आइलैंड नदर आइलैंड आज भी इंग्लैंड के साथ ही है इस इंग्लैंड के नॉर्थ में जब आप चलोगे तो नॉर्थ में आप लोगों को जो दिखेगा वो है फेरो आइलैंड फेरो आइलैंड के ठीक नीचे की तरफ आप जब आप आओगे वहां पर आपको एक रिज दिखेगा जिसे वाइविल थॉम्सन रिज कहते हैं तो जो वैविल थॉमसन रिज है वो नॉर्थ एटलांटिक ओशन का फ्लोर है ठीक है 200 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है और ये किसके किसके बीच में सर ये स्कॉटलैंड और फेरो आइलैंड के बीच में है फेरो आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवन सी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया इवन असिस्टेंट कमांडेंट भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है फेमस है यहाँ की भेड़ों के लिए सिप्स के लिए ठीक है तो ये है आ, लोकेशन बेस पे वेवाइल थॉम्सन रिज कहाँ है नॉर्थ एटलांटिक ओशन में फिर आता है जेरूसलम जेरोसलम पूछ लिया गया है सर जेरोसलम कहाँ है सर जेरूसलम बात आते ही कैपिटल ऑफ इसराइल आता है पहली चीज दूसरी चीज सर जेरूसलम जो है वो कहां है किस माउंटेन के ऊपर है जेरूसलम सर जुडाइन माउंटेन से वहां पे है सर क्लियर सर जेरूसलम कहां है सर एक तरफ तो मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ सो है डेड सी है तो ये आप दिख रहे हो बेल्ट डेड सी है जो जॉर्डन और इसराइल की ठीक बाउंड्री पे आती है ज्यादातर हिस्सा जॉर्डन में आता है ये डेड सी क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सेलिनटी ज्यादा होती है कितनी सैलेंटी होती है डेड सी क्यों कहते हैं इसे सेलिटी ज्यादा कितनी सेलेंटी ज्यादा है सर डेड सी में टू थर्टी एट पार्ट्स पर थाउजेंड मतलब एक लीटर पानी में आप लोगों को 238 ग्राम जो है मिनरल्स मिलने वाले हैं तो इसीलिए ये मिनरल्स ज्यादा होने की वजह से ज्यादा होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है तो मेडिटेरेनियन सी डेड सी के बीच में आप लोगों को इसराइल दिखेगा इसराइल की राजधानी है जेरोसलम और जेरोसलम में जब आप आओगे तो बहुत फेमस है ये एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट है क्यों क्योंकि यहाँ पर जुडाइज्म भी है सर यहाँ पर क्रिश्चैनिटी भी है और यहाँ इस्लाम भी है तीनों ही रिलीजन जो है जेरूसलम तीनों रिलीजन के लिए जेरोसलम काफी फेमस है तीनों के यहाँ पर जो है मस्जिद वगैरह है या किसी का जो चर्च वगैरह है और सिनेगॉग्स uh, है वो यहाँ पर फेमस है तो क्रिश्चियनिटी में चर्च आ जाता जा है इस्लाम में मस्जिद आ जाता है जुडाइज्म में हम लोग देखते हैं सिनेगॉग्स आ जाते हैं जा तो वो यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं और हम देखते हैं जहाँ पर भी दुनिया में जहाँ पर भी किसी रीजन के अंदर मल्टीपल प्लूरलिज्म uh, अगर हमें ज़्यादा दिखता है मल्टीपल रिलीजन अगर वहाँ देखते हैं तो एरिया ऑफ कोर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है और आप देखेंगे वहाँ पर भी गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है इंडिया में भी मल्टीपल रिलीजन uh, के लोग रहते हैं तो साफ है उनका जो अप्रोच है वो अलग अलग हो जाता है और कन्फ्लिक्ट जो इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट वो बढ़ जाते हैं तो इसी तरीके से इसराइल के जेरूसलम में तीनों का जो है अप, अपना अपने रिलीजियस मान्यता है और इसलिए गड़बड़ियों में रहता है यानी ये न्यूज़ में रहता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती है ठीक है तो ये जैरूसलम है सर जैरूसलम के मैप को तो मतलब ये समझ लो इस मैप को तो ना घोट लो इस रीजन को तो घोट लो मतलब पी लो इसे ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े ये देखो ये इजिप्ट है सर इजिप्ट का है ना ये आपका आ गया स्वेज कनाल स्वेज कनाल काफी फेमस रहा अभी न्यूज में स्वेज कनाल मेडिटेन सी को रेड सी को सर जोड़ रहा है और जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो सर यहां तक तो ठीक था बट उसके बाद 1869 के अंदर हम लोगों ने स्वेज कनाल बनाया सर स्वेज कनाल के ईस्ट की तरफ जो रीजन है इसे सर सिनाई पेनसुला कहते हैं पेनसुला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका तीन साइड पानी से है सर ये वाला ये वाला और ये वाला साइड है और ये वाला साइड पानी से है तो ये सिनाई पेनसुला है सर काफी फेमस है सिनाई पेनसुला जहाज वगैरह भी जो है यहाँ पर उड़ते हैं गिरते रहते हैं मिसाइल वगैरह दागते रहते हैं तो सिनाई पेनसुला उसके ऊपर चलेंगे जॉर्डन फिर सर यहाँ पर इसराइल है और ये वाला जो रीजन आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा रीजन इस रीजन में आप देखोगे फिलिस्तीन वाला जो है चलता रहता है इसलिए ये आप लोगों को समझना है कि ये इस बेल्ट की तो जितनी भी कंट्री है मैप पे तो उनको घोट लो ठीक है श्रद्धा रघुवंशी माफी चाहूंगा मेरे ख्याल से मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ डियर जी और इतना इनफ होता है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द यूपीएससी पी इतना इनफ होता है ठीक है तो इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं हो रही है ना मैंने कुछ ज़्यादा हिंदी इंग्लिश वर्ड यूज़ किया तो यू कैन कॉपरेट ठीक है ओके डियर चलो तो सर एक क्वेश्चन पूछा गया ओलि कल्टीवेशन जहाँ पर भी ऑलिव कल्टीवेशन की बात आ जाएगी तो जोग्राफी में घुस जाओ एग्रीकल्चर के अंदर और एक कल्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओलिवी कल्चर जहाँ पर ओलिवी कल्चर होता है वहाँ पर ऑयल उल ऑलिव कल, कल्टीवेशन होता है इंडिया में अभी तक जो है ऑलिव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दिखती है बट अब हम लोग देखते हैं कि शहरों के अंदर जो है ऑलिव प्रेजेंस बढ़ाने लग गया है जब हम लोग ऑलिव की बात करेंगे तो ऑलिव जो होते हैं हार्ट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है इसलिए जो है यूरोपियन कंट्री के अंदर ऑलिव को ज्यादा यूज किया जाता है ये समझ लीजिए इटालियन वाले रीजन में आओगे ना इटली वाले रीजन के अंदर ये ठीक वैसा ही है जैसे इंडिया में आप साउथ में चले जाओ खासकर केरला के अंदर जो भी खाना बनता है उसमें ना नारियल जरूर यूज होता है बंगाल में चले जाओ जो भी खाना बनता है चाहे दाल भी बना लेंगे उसमें भी मच्छी यूज कर देते हैं वो लोग इसी तरीके से हरियाणा वाले बेल्ट में आओगे पंजाब वाले बेल्ट में आओगे तो ये सिर्फ रोटी वाले बेल्ट है यहाँ रोटी ही खाई जाती है तो सबका अपना अपना सिस्टम बना हुआ है तो उसी तरीके से यूरोप के अंदर जब इटली वगैरह रेंज में आप आओगे ना इटली कंट्री में इटालियन कंट्री के अंदर आप देखोगे वहां जो भी खाना बनता है मैक्सिमम खाने के अंदर वो ऑलिव ऑयल उल जरूर डालते हैं तो ऑलिव ऑयल उल और वाइन तो इसलिए ऑलिव कल्चर और फिर ग्रेप्स ग्रेप्स के लिए फेमस क्या है सर विटी कल्चर तो ऑलिवी कल्चर और विटी कल्चर जो है एल्पस के पर्वतों में काफी फेमस है और एल्प्स का पर्वत कहाँ है एल्प्स के पर्वत आप लोगों को यूरोप में दिखेगा तो जो मेडिटेरेनियन सी है मेडिटेरेनियन सी का जो क्लाइमेट है उसके आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्रों में आप लोगों को क्या मिलेगा उस क्षेत्रों में आप लोगों को खट जो फल होते हैं फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स की कल्टीवेशन उस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसमें एक ऑलिव भी आता है उसमें ग्रेप्स भी आता है तो उस रीजन को आप लोग समझो इसको मैं जुमा आउट कर देता हूँ ताकि समझना ज़्यादा आसान हो ये सर अफ्रीका हो गया अफ्रीका के ऊपर यूरोप हो गया बीच में जो बेल्ट दिख रही है इसे ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये वाला व्हाइट पोर्शन मेडिटेरेनियन सी है इस मेडिटेरेनियन सी में ये जो ग्रीन बेल्ट आपको दिख रही है सारी की सारी बेल्ट मेडिटेरेनियन सी के आसपास फैली हुई है क्योंकि जो क्लाइमेट चाहिए वो मेडिटेरेनियन सी प्रोवाइड करता है और ये देखिए नीचे जो पूछ की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है इटली है जिसकी मैं बात कह रहा था आप लोगों को इटली में काफ़ी यूज किया जाता है ठीक है तो ये है ऑलिव कल्टीवेशन की रीजन हालांकि इस मेडिटेरियन सी में पूरे वर्ल्ड में ये पूछ एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है कि रीजन बताना है ऑलिव कल्टीवेशन का तो इसका मतलब है कि आप ए बता सको तो ठीक है दो बता सको तो वो भी ठीक है तीन बता सको तो वो भी ठीक है अगर आप इस रीजन को छोड़ दो तो उसके बाद आप चाइना में आ जाओ छोटे आंख वाले लोगों के पास उसके ईस्टर्न साइड में भी ऑलिव मिलता है सर आप अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे आप आ जाओ वहां पे भी मिलता है मेक्सिको के नदन साइड पे भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा सर उसके बाद जो है अर्जेंटीना में भी आपको ऑलिव थोड़ा बहुत मिल जाएगा सर अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ वाला रीजन है साउथ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाएगा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है मेडिटेनियन बेल्ट में बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इतना याद रखो फिर आगे बढ़ो सर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन करता है डोलड्रम का क्षेत्र बताओ कहाँ है ठीक है अब डोलड्रम का क्षेत्र तो हमें पता है ना कि जैसे ही हम इक्वेटोरियल रीजन में आएंगे तो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो विंड आती है कहां से हाई प्रेशर बेल्ट से सर ये थर्टी डिग्री हो गया ऊपर भी नीचे भी थर्टी डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट है थर्टी डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट है हाई प्रेशर से बेल्ट से जब विंड लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती है तो जीरो डिग्री काफी गर्म क्षेत्र होता है इस रीजन में आते ही जो है ये uh, जो विंड है गर्म हो जाती है गर्म होकर के हल्की होकर के सर ऊपर उठती है इसलिए इस रीजन में आपको कोई भी विंड चलती हुई नहीं दिखती क्योंकि वो गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठती है ऊपर उठने की वजह से क्या होता है इस क्षेत्र में विंड की मूवमेंट ही नहीं होती और जहां विंड की मूवमेंट नहीं होती ऐसे क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है डोलड्रम डोलड्रम का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर काम विंड चलती है काम यानी शांत पवन मतलब पवने वहां है ही नहीं पवन वहां आती है गर्म होती है हल्की होती है और वो ऊपर उठ जाती है तो जहां वो ऊपर उठ रही है इक्वेटोरियल रीजन में दैट बेल्ट इज नोन एज डोलड्रम्स इसी बेल्ट को हम लोग डोलड्रम का नाम देते कोल्ड विंड है सॉरी काम विंड है विंड की कोई मूवमेंट ही नहीं होती तो जीरो डिग्री इक्वेटर एग्जैक्टली कहलाता है डोल उसके बाद जब हम सर आगे बढ़ते हैं तो तकला मकान है तकला मकान क्या है तकला मकान एक डिजर्ट है कहा है सर तकला मकान तकला मकान जो चाइना है चाइना के डिजर्ट इन चाइना है और चाइना के किस रीजन में मिलेगा आप लोगों को नॉर्थ वेस्ट जो चाइना है उस रीजन में आप लोगों को मिलेगा पहली चीज़ उसके बाद तकला मकान का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है कुल्लून माउंटेन्स सॉरी जो साउथ वाला माउंटेन्स है यहां पर आप लोगों को कुल्लून माउंटेन्स मिलेगा पामीर माउंटेन्स आप लोगों को वेस्ट में मिलेगा ये पामीर का पठार हो गया उसके बाद तियानशान जो रेंज है इसके नॉर्थ में मिलेगी ये तियानशान रेंज होगी और उसके बाद ईस्ट में आपको जो है डिजर्ट मिलेगा तो तियानसान हो गया तिब्बत का पठार हो गया तिब्बत प्लेटो या फिर इसे पामीर प्लेटो भी कह देते हैं और साउथ में आप आओगे तो कुल्लून शान या कुल्लून माउंटेन्स भी होता है तो सर ये कुल्लून माउंटेन्स है तो कुल्लून हो गया गोभी हो गया नॉर्थ में तकला त्यान हो गया और फिर पामिर का पठार हो गया तो इनके बीच में एक डिजर्ट है सर टकला मकान डिजर्ट तो टकला मकान डिजर्ट काफी फेमस है चाइना में है तो ये मैप बेसिस पे हमें लोकेशन थी ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था थी, ठीक है यस फाइव डिग्री नहीं करोगे सरदा रघुवंशी फाइव डिग्री नॉर्थ से लेकर के फाइव डिग्री साउथ के बीच का हिस्सा आप बोलोगे बच्चे सरदा रघुवंशी जो फाइव डिग्री नॉर्थ और फाइव डिग्री साउथ उसके बीच का करना है ना नॉट फाइव डिग्री चलो ठीक है तो इसके साथ ही हमारा जो है वर्ल्ड जो 1981 का जो यूपीएससी मेंस था हमारा वो हो गया डियर जी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस आशा करता हूँ हाँ बिल्कुल कन्वेक्शन का ही टॉपिक है गुरिंदर कोई हिस्सा है गर्म है इसके कॉन्टेक्ट में कोई विंड आएगी गर्म होगी हल्की होगी ऊपर उठेगी जब ये हल्की ऊपर के ऊपर उठेगी तो इसी को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं ना और कन्वेक्शन हो रही है तो सीधी सी बात है क्या कर रही है ये अपने साथ मॉइस्चर ऊपर लेकर के जा रही है और ऊपर लेकर के जा रही है तो सर क्लाउड्स बनेंगे क्लाउड्स बनेंगे तो सर एक टाइम के बाद बारिश भी होगी तो सर मुबारक हो आपकी कौन सी रेनफॉल हो गई कन्वेक्शन हो रही है ना तो कन्वेक्शन होते ही यहाँ कौन सी रेनफॉल होगी कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाती है ये कन्वेक्शन रेनफॉल कहाँ होगी सर कन्वेक्शन रेनफॉल जीरो डिग्री पे होगी एग्जैक्टली exactly डेली होती है एवरीडे होती है हर दिन दो से तीन बजे के आसपास ही होती है तो कन्वेक्शन तो होगा ही होगा और कन्वेक्शन की वजह से जो राइज हो रही है इसी की वजह से जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो डोलड्रम वाला क्षेत्र है क्लियर अनुराग पांडे नो वन कैन से कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बस पढ़ते जाओ गीता में लिखा है कर्म करो बाकी फल की चिंता मात करो श्रद्धा डेली क्लास होती है बच्चे सिक्स पी पे और एट पी पे ठीक है सिक्स पी इंडियन जोग्राफी एट पी जो हमारे जो मेंस के जो टॉपिक होते हैं उसको हम लेते हैं ठीक है तो थैंक यू सो मच जी फॉर योर प्रजेंट्स आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे रोहनी मानसू झा के नाम से मैं अवेलेबल हूँ Uh, जितने भी मेरे वीडियोज आते हैं सबके जो है पी आपको मिल जाती है लिंक मिल जाते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड जरूर अप्लाई करो इट इज़ द मस्ट 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 लाइक से सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर किया थैंक यू सो मच डी जी फॉर योर प्रजेंस चंद्रवीर सैनी क्लास सिक्स पी एम एट पी एम डेली ठीक है चलो आप मुझे बस फॉलो कर लो टेलीग्राम पे तो मेरे जितने भी अपडेट्स आप हाँ लोगों को मिल जाते हैं क्लियर किसी का कोई डाउट है तो फटाफट एक मिनट में आप पूछ लो फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं आज के को फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी 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 हाँ प्री के लिए बता रहा हूं चंद्रवीर सैनी सिक्स पीएम पे एनी क्वेश्चन इफ़ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्ट में नहीं तो फिर वाइंड अप करने करते हैं आज के सेशन्स को क्वेश्चन नहीं चलो ठीक है डियर जी गुड नाइट स्लिप टाइट वेरी गुड नाइट्स लॉट्स ऑफ